हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे मॉर्निंग का सेगमेंट मॉर्निंग स्पोर्ट न्यूज़ लेके मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, उस पर बात करेंगे। शुभम गिल ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया, उस पर हम बात करेंगे। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने PCB बड़ा आरोप लगाया, उस पर हम बात करेंगे। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने BCCI और चीफ सेलेक्टर काफ़ी लताड़ा है, उस पर हम बात करेंगे। वहीं हम आगे बात करेंगे रमीज राजा, जो PCB के पूर्व चीफ रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बड़ा बयान दिया, उस पर हम बात करेंगे। इन पहले हम बात करते हैं भारतीय टीम को बड़ी खुशखबरी। देखिए, ऋषभ पंत के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ रही है। ऋषभ पंत को 2 हफ्ते के अंदर ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं 2 मंथ के अंदर उनका जो रिहे प्रोसेस, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, वो स्टार्ट कर दिया हो जाएगा ऋषभ पंत के लिए। तो ये बड़ी खुशखबरी ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि देखिए उनका जो लिंगामेंट सर्जरी थी पूरी तरह सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। और बताया जा रहा है 4 से 6 मंथ लग जाएंगे ऋषभ पंत को फील्ड में वापसी करने के लिए। तो यही उम्मीद है सबकी, यही सबकी प्रार्थना कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो जाए पूरी तरह से रिहेब करने के बाद, और पूरी तरह से फिट होकर आप फील्ड में वापसी करें। देखिए, आगे हम बात करेंगे भारतीय युवा बल्लेबाज शुभम गिल की। देखिए, उन्होंने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। देखिए, शुभम गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ODI में शानदार दोहरा शतक लगाया और पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जो सबसे कम उम्र में ऐसा कारनामा किया है। इसके पहले ईशान किशन ने 24 साल 145 दिनों बांग्लादेश के खिलाफ शानदार दोहरा शतक लगाया था। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभम गिल ने 23 साल 132 दिनों में ही ये कारनामा कर दिया। वहीं विराट कोहली का एक खास रिकॉर्ड तोड़ा। देखिए, विराट कोहली ने स्टार्टिंग में ODI में 1000 रन पूरा करने में 24 पारियां ली थी। वहीं शुभम गिल ने महज 19 पारियों में ये ऐसा कारनामा कर दिया। तो ऐसे बहुत से कारनामे और देखने को मिलेंगे शुभम गिल के आगे आने समय में। देखिए, वहीं वेंकटेश प्रसाद ने BCCI पे और चीफ सेलेक्टर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा 3 सीजन में लगातार रन बनाने के बाद सरफराज खान को टेस्ट स्क्वाड में जगह न देना अनुचित है और घरेलू क्रिकेट का भी अपमान करने जैसा है। इस जैसे लगता है कि जो मंच है, इस मंच मतलब रणजी का जो मंच है उसका कोई महत्व नहीं, उस पर रन बनाने का कोई महत्व ही नहीं है। फिर ऐसे मंच का क्या फायदा, क्यों आप सरफराज खान को क्यों नहीं सिलेक्ट किया टेस्ट स्क्वाड में इतना रन बनाने के बावजूद भी। इस तरह का स्टेटमेंट दिया है वेंकटेश प्रसाद ने और काफी खरी खोटी सुनाई है BCCI को और चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को। आगे हम बात करेंगे। देखिए, वसीम अकरम ने PCB बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि PCB में कोई इंटरनेशनल कोच नहीं आना चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि कब PCB के मैनेजमेंट बन जाएगी, बदल दी जाएगी और मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए मिक्की आर्थर भी PCB में पाकिस्तान क्रिकेट में हेड कोच बनने से काफ़ी हिचकिचा रहे, काफ़ी उन्हें सोच विचार करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि मिक्की आर्थर ने स्पष्ट मना कर दिया है पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनने से, क्योंकि नजम सेट्टी काफ़ी प्रयास कर रहे थे, काफी ट्राई कर रहे थे मिक्की आर्थर को पाकिस्तान का हेड कोच बनाने के लिए। वहीं हम बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान के पूर्व चीफ PCB चीफ रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पीरियड, मतलब कि जब मैं PCB का हेड था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट का गोल्डन पीरियड था। इस तरह के स्टेटमेंट दिया है, मतलब मेरे टेन्योर में पाकिस्तान क्रिकेट काफी फली फूली, काफी उन्होंने मैचेस जीते, काफी श्रृंखलाएं जीती, काफी अच्छा किया है और गोल्डन पीरियड था। इस तरह का बयान दिया है रमी राजन ने। तो सो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सभी लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।